जमीनी विवाद को लेकर खटकरी में खूनी संघर्ष, एक की मौत, आधा दर्जन घायल। घटनास्थल खटकरी गांव में मची चीख पुकार। छाया मातम। सिंगरौली जिले के कोतावली के खुटार चौकी अंतर्गत खटकरी गांव में बुधवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर साहू परिवार के दो पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी टांगी से टूट पड़े, जिसमें दोनों पक्षों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं भगवान दास नामक एक युवक के सिर एवं छाती में गंभीर चोटें, उनकी मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही गांव में तमाम लोग हंसलाल, जुग्गीलाल, कमला शंकर, उमेश महेश को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उपचारार्थ भर्ती कराया गया। उधर मृतक भगवान दास के परिजनों के रपट आरोपियों गोपाल साहू, रामनेश लाल चंद, बसंत देवचरण के विरुद्ध धारा 302, 307, 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर घटना के पड़ताल एवं आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। घायलों ने बताया कि सांसद रीति पाठक ने नाम पर खुटार चौकी की दलाली करने वाले प्रमोद पांडे हर शिकायत पर हजार हमलावरों की पैरवी करता है और कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस अनसुना करती रही। करीबन 6:30 बजे के आसपास ग्राम खटखरी में भगवान दास साहू और उसके परिजनों के ऊपर गोपाल साहू, अमयलाल साहू, वसंत साहू और उनके कुछ साथियों के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर के प्राणघातक हमला किया गया और जिसमें कि भगवान दास साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जिन्हें उसके परिजन जिला चिकित्सालय ला रहे थे, क्योंकि जिला चिकित्सालय लाने के दौरान रास्ते में उनका आकस्मिक निधन हो गया है और पुलिस के द्वारा इस पर हत्या का प्रयास बलवा का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और हम प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं।